राधे राधे। तो कहते हैं कि जीवन में अगर सफल बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत नाम कमाना है, तो अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा रखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को बड़ा रखना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी कार्य क्षमता को सुधार सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं, अपने आप को हीन महसूस कराते हैं, हम दूसरों से अपने आप की तुलना करने लगते हैं। इससे कहीं ना कहीं अपने मन के विश्वास को ठेस पहुंचती है। हम जब अपने आप की तुलना दूसरों से करते हैं कि हम इससे कम हैं, हम उससे कम हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, हम में कुछ भी नहीं है, हम में कोई विशेषता नहीं है, उस जगह पर जाकर हम अपने आप से क्या ये वादा कर सकते हैं कि हम सफल हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी में एक बात छुपी है जिसमें आपका दृष्टिकोण बदलेगा और आपको ये महसूस होगा कि तुलना करने से कुछ नहीं होता, अपनी विशेषताएं ढूंढनी पड़ेंगी। और किस तरह ढूंढनी पड़ेंगी, मेरी आज की कहानी में छुपा है। तो कहानी सुनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहानी शुरू करूँ तो होता यह है कि एक राजा को अपना बागीचा बहुत पसंद है। वो अपने बागीचे में जाता है, सैर करता है और देखता है कि उसके सारे पेड़ और पौधे दुखी हैं, तनाव में हैं। अब ये देखकर राजा बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ही बात करूं पेड़ों से कि उन्हें क्या चिंता है। वो ओक पेड़ के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ओक कहता है कि मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं देवदार जितना इतना बड़ा वृक्ष नहीं हूँ, मैं देवदार जितना बड़ा नहीं हूँ, मुझे इस बात का दुख है और मैं मरना चाहता हूँ। देवदार के पास जाते हैं तो उसकी पीठ झुकी हुई है, वो बहुत दुखी है। उनसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, तो वो बोलते हैं कि मैं अंगूर लता की तरह मीठे मीठे फल नहीं दे सकता हूँ, मेरा क्या काम जब मैं किसी को फल ही ना दे पाऊँ। अंगूर लता से पूछते हैं तो वो कहती हैं कि मैं गुलाब की तरह खुशबू नहीं फैला पाती हूँ, लोग मुझे देखते ही नहीं हैं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी होते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक पेड़ है जो कि बिल्कुल निश्चिंत खड़ा हुआ है, खिला हुआ है और ताजगी में नहाया हुआ है। वो उस पेड़ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे बाग में इतने बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सब इतने दुखी हैं, और तुम यहाँ पे क्यों इतने प्रसन्न हो, इतने खुश क्यों हो, क्या राज है तुम्हारा? तो जो वो पेड़ होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जितने भी ये पेड़ और पौधे हैं वो अपनी विशेषताओं को भूलकर एक दूसरे से तुलना करने लग गए हैं, इसलिए शायद दुखी हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आपने मुझे मेरे बीज को जब यहाँ पे उगाया होगा तो आप चाहते होंगे कि मैं अपनी विशेषता से इस बागीचे को और सुंदर कर दूँ। मैं जानता हूँ कि अगर आपको गुलाब या अंगूर या कोई और पौधा चाहिए होता या पेड़ चाहिए होता तो आप मुझे नहीं यहाँ उगाते, आप उन्हें उगाते। आपने अगर मेरा चयन किया है, आपने मुझे अगर यहाँ पर मेरे बीज लगाए हैं तो मेरी ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं हर तरीके से आपके बागीचे को सुंदर बना पाऊँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये क्या सोच है, अगर ऐसी सोच सब पेड़ पौधों की हो जाए तो मेरा बागीचा सच में कितना सुंदर लगने लगे। इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में एक दूसरे के साथ में तुलना करने लग जाते हैं, अपनी कमियाँ ढूंढने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमियाँ ढूंढना ठीक नहीं है, अपनी कमियाँ ढूंढकर उन पर सुधार करना वो बेहतर है, लेकिन अपनी कमियों में ही उलझ जाना, अपने आप को हीन महसूस करना, वो कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर के विश्वास को तोड़ता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आपको अगर प्रभु ने बनाया है, आपको जीवन दान दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर योग्यताएँ हैं, वो सिर्फ हमें जाननी है कि हमें क्या विशेष है, क्या विशेषता है मेरे अंदर कि मैं इस चीज़ से, इस अपनी इस विशेषता से एक सुंदरता ला सकूं। मैंने इस कहानी से ये सीखा, जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर क्या विशेष है, मैं किस तरह से और सुंदर चीज़ें बना सकती हूँ, बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। तो मुझे ये लगा कि हाँ,
मेरे अंदर ये विशेषता है कि मैं कहानियां अच्छी सुनाती हूँ। जहां भी अच्छी कहानी मिलती है मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ आपसे बांटने से, क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर ये संकोच होता है कि मैं अपनी मन की बात कहूँगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी तरह किस तरह से बात करेंगे, वो पसंद करेंगे कि भी नहीं करेंगे। मैंने इस कहानी से ये सोचा कि नहीं, ये मेरे अंदर की विशेषता है और मुझे अपनी योग्यता लोगों तक दिखानी है। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अंदर की योग्यता को समझें, जानें और अपने आप के अंदर की हीन भावना को निकाल दें। आपको अगर भगवान ने जन्म दिया है तो आपके अंदर कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, सिर्फ हमें जानना है, हीन नहीं महसूस करना है अपने बारे में और अपने आप के बारे में बहुत 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 अच्छा महसूस करना है। मैं यही कहना चाहती हूँ आखिर में कि एक बहुत सुंदर कहावत है इंग्लिश में, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ अदर्स विल डू। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो सामने वाला करेगा ही करेगा। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे जरूर बढ़ाएगी, लेकिन सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।